The question reads, which of the following are polynomials in one variables and which are not? And at the same time, you are asked to give the reasons for your answer. Now, let us take one by one. See, don't write the answer because in the last slide, you will be getting everything here. See, if I take this 4x square minus 3x plus 7, let me explain about how it is not a polynomial in one variable. See, if you see here, there is only one variable, and that variable is what? X. So I can say that yes, it is a polynomial in one variable because it is having only one variable, and that is in the form of X. So the answer for the first question is yes, ye variable hai, one variable hai, kyunki yahan par X ek hi variable hai. Agar dusra aap loge, to yahan aap dekhiye y square plus root 2 hai. तो y स्क्वायर प्लस रूट टू है बच्चों, तो यहाँ पर भी केवल एक ही वेरिएबल है और वो वेरिएबल है y. तो इसीलिए इसका आंसर भी होगा यस, ये पॉलिनोमियल भी है और इसके अंदर केवल एक ही एक वेरिएबल है और उसका है y है. लिखिए मत आप यहाँ पर, मैं आपको सारा लास्ट में आंसर दे रहा हूँ. तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आता है 3√t प्लस t√2. इस क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखोगे बच्चों, तो यहाँ पर देखिए t का पावर जो है, डिग्री जो है, वो 1/2 आ रहा है, फ्रैक्शन में आ रहा है. और यहाँ पर सावधान, ये पॉलिनोमियल नहीं है बिकॉज यहाँ द डिग्री, यहाँ पर जो उसका पावर है बच्चों, वो फ्रैक्शन में है. और पावर कभी भी इंटीजर, ये होल नंबर या नेचुरल नंबर होना चाहिए. आप अगर स्टेशन पे खड़े हो और आपसे कोई कहे कि 3.5 नंबर के प्लेटफॉर्म पे गाड़ी आ रहा है, तो कैसे चलेगा? या तो 3 होना चाहिए या तो 4 होना चाहिए. तो इसीलिए ये फ्रैक्शन नहीं है, ये पहला वाला है, दूसरा वाला है, तीसरा वाला नहीं है. आप पूछ सकते हो, सर यहाँ पर तो एक t है और यहाँ पर तो एक ही t है. सही है आपका कहना, मगर यहाँ पर t का पावर जो है वो फ्रैक्शन होने की वजह से ये पॉलिनोमियल नहीं है. अब अगला प्रश्न है y प्लस 2y, क्या यह पॉलिनोमियल है? सर चेक करते हैं. y प्लस, देखिए बच्चों, ये 2 by y है, तो 2 by y को मैं लिख सकता हूँ 2y raised to -1. फिर आपके समझ में आ गया होगा मैं क्या कहना चाहता हूँ. यहाँ पर दो, here only one variable is there, but the problem is the degree is negative. तो ऐसे नहीं चलता है. इसीलिए दो, it is one variable, but it is not a polynomial in one variable. So this is discarded. तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज x^10 प्लस y^3 y³ प्लस t^50, क्या यह पॉलिनोमियल है? यस, ये पॉलिनोमियल है, मगर यार यहाँ पर डिग्री भी पूरा होल नंबर्स हैं, यहाँ पर नेचुरल नंबर्स सारे हैं, मगर परेशानी यह है कि हियर देर आर 3 वेरिएबल्स, दैट इज x, y और t. सो इट इज अ पॉलिनोमियल, बट हियर देर आर 3 वेरिएबल्स. So it is not a polynomial in one variable. So it is in 3 variables. So once again I repeat, पहला वाला है because it is in x है यहाँ पर, दूसरा वाला है because y 2 है degree, तीसरा वाला root degree है इसलिए इसको निकाल सकते हैं, हम discard कर सकते हैं, चौथा वाले में y का negative power आ रहा है इसलिए इसको भी discard करना पड़ेगा. यहाँ पर ये powers तो है मगर 3 variables है यहाँ पर x, y और t, इसलिए ये polynomial इन 3 वेरिएबल्स है. तो उम्मीद है आपके समझ में आ गया होगा. तो वही आंसर मैं आपको यहाँ पर दे रहा हूँ. तो आप यहाँ आंसर चेक कर सकते हो बच्चों, कि जो मैंने आपको बताया था उसी के मैं आपको यहाँ पर एक बार जस्ट शोइंग यू दैट व्हाट इज देयर. इट इज़ ए पहला वाला क्वेश्चन है 4x² - 3x + 7, उसका जवाब है इट इज़ अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड द वेरिएबल इज एक्स. यही तो बात मैंने आपको कही थी. तो जो मैंने कहा है वही आपको मैं बता रहा हूँ. दूसरा क्वेश्चन की तरफ अगर आप आओगे बच्चों, तो ये है y² + 2, इसका जवाब है यस, इट इज अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड द वेरिएबल इज y. ये कोई गड़बड़ नहीं करना लिखने के लिए आप, क्योंकि यहाँ पर सारे आंसर्स मैंने दे रखे हैं. ये 3√t है, इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल बिकॉज द डिग्री इज नॉट अ नेचुरल नंबर. तो ये पॉलिनोमियल नहीं है. ओके, यहाँ पर आप देखिए, ये मैंने आपको नहीं है ऐसा बताया था, तो इसका जवाब ये है कि इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल बिकॉज द डिग्री इज नेगेटिव. और लास्ट वन आपको बताया था मैंने कि इट इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल एंड द डिग्री
इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल नहीं है, इसको थोड़ा करेक्शन कर लीजिए बच्चों, ये गलत है ये, इसको थोड़ा करेक्शन करके आप इसको क्या कीजिए, यू मेक अ स्मॉल करेक्शन हियर चिल्ड्रन, इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल नहीं कहेंगे हम, इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, बट इट इज अ पॉलिनोमियल बट द डिग्री इज, इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, यस ये सही सेंटेंस होगा, ये इसको लिख लीजिए आप कि इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, वन वेरिएबल, हियर देर आर थ्री वेरिएबल्स एक्स वाई एंड टी। तो ये है बच्चों क्वेश्चन और उसका आंसर, तो उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा, कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द कोएफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर इन द फॉलोइंग, ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब आपको यहाँ पर क्या पूछा है कि आपको कोएफिशिएंट्स लिखना है, तो कोएफिशिएंट्स का मतलब क्या होता है पहले तो ये समझने की कोशिश करो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोएफिशिएंट। देखिए लेट मी टेक द फर्स्ट क्वेश्चन है 2 + x² + x। तो यहाँ कोएफिशिएंट किसका पूछा है, कोएफिशिएंट आपको एक्स स्क्वायर का पूछा है, यानी एक्स स्क्वायर के साथ क्या है, एक्स स्क्वायर के साथ आपको यहाँ कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, यानी वन है, वन इंटू एक्स स्क्वायर है, तो इसीलिए कोएफिशिएंट होगा यहाँ पर बच्चों, यहाँ पर कोएफिशिएंट होगा वन, कोएफिशिएंट कितना है यहाँ पर, वन है, बिकॉज विथ एक्स स्क्वायर वन इज एसोसिएटेड। दूसरा क्वेश्चन है 2 - x² + x³। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर आप लिख सकते हो 2 - -1 × x² + x³। तो बच्चों यहाँ पर आप देखो कि एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है वो -1 है, यानी कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज हाउ मच, -1। यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है, एक्स स्क्वायर के साथ कौन है, एक्स स्क्वायर के साथ 1 है। यहाँ पर आप देखिए, यस आपको जवाब मिल गया होगा, अब इसकी आपकी बात हो, π/2 x² है प्लस एक्स है, तो व्हाट इज एसोसिएटेड विथ एक्स स्क्वायर, विथ एक्स स्क्वायर π/2 इज एसोसिएटेड, सो वी कैन से दैट द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज π/2, जो एक्स स्क्वायर के साथ है वो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप लोगे तो लिखिए मत, वंस अगेन आई जस्ट टेल यू, इसको कभी लिखना मत जब मैं पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि लास्ट नेक्स्ट स्लाइड में आपको आंसर मिल जाएगा। इसको मैं लिख सकता हूँ 0 × x² + √2x - 1, यानी एक्स स्क्वायर टर्म है नहीं ना सर, तो है नहीं, तो इसको हम क्या बोलते हैं मैथ्स के अंदर, वी से दैट 0 इज द कोएफिशिएंट, यानी एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, 0 है। अब अगला प्रॉब्लम आप ले लीजिए, देखिए इसे यही आंसर्स मैं आपको दे रहा हूँ कि जो अभी तक आपको मैंने समझाया उसी को मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा। तो पहला प्रॉब्लम देखिए आप, एक्स स्क्वायर का साथ कोएफिशिएंट, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट जैसे मैंने आपको बताया था, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है बच्चों 1 है। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट आप देखिए -1 है, तो यहाँ एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट -1 है, यहाँ एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट मैंने आपको -π, इसको आपको मैंने बताया था π/2, कोएफिशिएंट मतलब उसके साथ वाला, तो यहाँ आप देख सकते हो π/2 उसके साथ है, यहाँ एक्स स्क्वायर टर्म ही नहीं है, जब एक्स स्क्वायर टर्म ही नहीं है तो 0 है यहाँ पर, तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट यहाँ पर क्या है, 0 है। तो जो आंसर मैंने आपको बताया था वही मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ। तो ये है इसका कोएफिशिएंट का मतलब क्या होता है और डिग्री का मतलब क्या होता है। अब नेक्स्ट एग्जांपल आपको दिया है, गिव अ बाइनोमियल ऑफ डिग्री आपको दिया है, गिव एन एग्जांपल ऑफ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। तो ये बहुत सारे एग्जांपल आप दे सकते हो, बाई का मतलब होता है, यहाँ पर एक बात आप याद रखना कि बाई का मतलब होता है 2। तो आपको क्या करना है कि ऐसा एक एग्जांपल लेना है जहाँ पर 2 टर्म्स हो, चलो x प्लस वाई हम ले लेते हैं, डिग्री कितना होना चाहिए 35, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ x^35 + y, या अभी मान लीजिए कोई और भी आप ले सकते हो, p^35 - q, तो डिग्री कितना होना चाहिए, डिग्री शुड बी 35। तो यू कैन कोट सो मेनी एग्जांपल्स आप लिख सकते हो। नेक्स्ट मोनोमियल आपको पूछा है, मोनोमियल उसका डिग्री कितना होना चाहिए, मोनोमियल यानी एक पद होना चाहिए और उसका डिग्री कितना होना चाहिए 100, तो x^100 आप लिख सकते हो, y^100 आप लिख सकते हो, a^100 आप लिख सकते हो, तो यू हैव टू राइट वन टर्म एंड द डिग्री शुड बी इक्वल टू 100। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। सो दैट्स ऑल चिल्ड्रन, आई होप